बच्चों हम परिक्षेपण के अंतर्गत हम उसके पहले माध्य से प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, ये सारी चीजें हम कह रहे हैं। इसके पहले हमने चतुर्थक दिखा दिया था, ये जो है हम अभी जो है क्या है माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं। तो उसके पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी से समझा चुके थे, अब ये जो है सतत श्रेणी से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको गणित में जो है ये एक्स और ये एफ दिया हुआ रहेगा, उसको आपको ऐसे टेबल में जमाना है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, यहाँ पर फिर इसका जो मध्य मूल है ये निकाला, दो और चार का आपको पता है कि हमने कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़कर हम ये दो का भाग देंगे तो हमारा मध्यमान निकल आता है। तो इस तरह से 3, 5, 7, 9 ये मध्यमान हो गया, आवृत्ति ये दी हुई है। तो यहाँ पर हम f और x का गुणा करेंगे, ये हो गया 9, 5 को 20, 7 दुनी 14, 9 एक 9। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया, इसका टोटल जो है हमारा आ गया 52। तो यहाँ पर हम जो ये जो है माध्य ज्ञात करना है, ये हमें कि माध्य से ही विचलन निकालना है। यहाँ पर हम 52 बटे एन हमारा 10 है, इस तरह से ये हमारा हमको मिल जाएगा 5.2। जब हम 10 का इसमें भाग देंगे तो 10 मना 50 बच्चा 2 दशमलव लगा के हमने 0 लगाया तो 5 दुनी 10 दुनी 20 हो गया। इस तरह से हमें ये माध्य प्राप्त हो जाएगा। फिर ये माध्य को हम विचलन के रूप में यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर जब हम विचलन करते हैं तो इसमें धन और ऋण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उसमें क्या होगा कि जब हमारा ये जो प्राप्त हुआ है उसको जो हमारा ये जो दिया हुआ है इससे हम उसको घटाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2.2, फिर 0.2, फिर 1.8, ये 3.8। फिर इसका गुणा जो है हम आवृत्ति से करेंगे, 3 से करेंगे। तो यहाँ पर जब इसका करेंगे 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, फिर 4 का करेंगे तो यहाँ पर भी 0.8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का करेंगे तो 3.6, यहाँ पर 3.8। इस तरह से ये हमको प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 14.8 ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एफ, ये डी ए, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पर हम सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर जो है 14.8 ये 14.8 इसके बटे आ जाएगा एन जो है वह 10 है। जब हम 10 से इसको भाग देंगे तो 10 एकम 10, फिर दशमलव आगे दशमलव कर दिया, फिर 10 चौको 40 और 10 अट्ठे 80। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया सतत श्रेणी में माध्य द्वारा ये विचलन की गणना हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्यिका से माध्य विचलन की गणना करना। तो यहाँ पर भी आप लोग को ये जो है ये आप लोग को दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर ये है ये भी दिया हुआ रहेगा। तो उसको हम सबसे पहले इस तरह से जमाएंगे, इसको ऐसा किया, फिर आवृत्ति को हमने संचयी आवृत्ति में बनाया। ये अपन जब माध्य ज्ञात कर रहे थे या मध्यिका ज्ञात कर रहे थे तब हमने ये सारी चीजें एक बार आप लोग ने कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 2, 2 में 6 जोड़ा 8, 8 में 12, 12 जोड़ा 20, इस तरह से ये जोड़ते चले गए तो हमें ये प्राप्त हो गया। यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल एक सा होता है। फिर मध्यमान, जैसा हमने माध्य में मध्यमान निकाला था, ये दोनों के बीच का जो है 15, 25, 35, 45, 55, ये मध्यमान का मतलब होता है मिड वैल्यू, मतलब बीच का मान। इस तरह से हमने ये मध्यमान निकाला। फिर उसके बाद जो है ये जो मध्यमान निकला हुआ है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मध्यिका ज्ञात करेंगे। इसमें एन हमारा कितना है 100, 100 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसमें जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50वां पद। तो 50 कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। ये जब हम मध्यिका कर रहे थे तो वो जो सूत्र उसमें लग रहा था वही सूत्र इसमें लगेगा। तो हमने ये किया तो इसमें जो है ये कहाँ पर हुआ, 50 और 60 के बीच में यहाँ पर हमें मिला। तो अब इसमें स्थित है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगेगा क्योंकि अभी हमें मध्यिका प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये दोनों पद का भी हमें उपयोग करना है।
50 और 60 में जो L1 है और ये L2 है, तो इससे हम क्या करेंगे, L2 से यहाँ पर L1 जो हमारे पास है वह यहाँ पर 50 आ जाएगा, फिर यहाँ पर धन 60 ऋण 50, फिर यहाँ पर हमारा इसके सामने क्या है, ये फ्रिक्वेंसी जो है वो 25 आ जाएगी, 25। फिर यहाँ पर जो कोष्टक में जाएगा, जो हमने क्या किया था, कोष्टक में जो है 50 जो हमारा ये आया हुआ, ये 50 आया, 50। फिर संचयी आवृत्ति में, संचयी आवृत्ति में कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, ये सी, ये तो यहाँ पर हो जाएगा 38। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कि 50 धन 10 बटे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो ये जब संख्या मिलेगी हम इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 धन 4.8। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 54.8, ये हमारा जो है ये माध्य प्राप्त हो गया। ये जो हमें माध्य जो प्राप्त हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माध्य को फिर विचलन मान के फिर किसको घटाएंगे, ये जो संख्या दी हुई है फ्रिक्वेंसी में उसको घटाएंगे, तब हमें फिर ये संख्या जो है विचलन का प्राप्त होगा। जब इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ 39.8 आ जाएगा, फिर उसके बाद है 29.8, फिर 19.8, फिर 9.8, फिर यहाँ पर जब इससे ये घटेगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.2, फिर 10.2, फिर 20.2 और 30.2। मतलब जो हमारा ये जो दिया हुआ है इससे हम इस संख्या को घटा रहे हैं, लेकिन इसमें धन और ऋण का हम बिल्कुल भी जब विचलन निकालते हैं तो धन ऋण को नहीं लिखते हैं। और जब हम माध्य कर रहे थे तो इसमें ऊपर का ऋणात्मक जा रहा था, जो संख्या बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या घट रही थी वो प्लस में जा रही थी। तीसरे से ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर इसमें जो है ये एफ का गुणा करेंगे, एफ का गुणा जो है ये इससे करेंगे, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 79.8, फिर 78.8, फिर 237.6। मतलब हम ये कौन से किस इससे गुणा कर रहे हैं, तो हमें ये संख्या जो है क्या है प्राप्त हो रही है 176.4, और फिर 5.0, फिर इसके बाद जाएगा 204.0, फिर हो जाएगा 202.0, फिर 211.4, फिर उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे तो 1294.8 आ जाएगा। ये जो है हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी एम है, ये कौन सा है, ये जो दिया हुआ है ये संख्या दी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सूत्र दिया हुआ है विचलन का उसमें हम रखेंगे, तो जब उसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1294.8, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है सूत्र में n, n हमारा कितना है 100, तो ये हो गया। जब हम इससे भाग देंगे तो हमारे पास जो है सबसे पहले इसका भाग दिया तो 1, फिर इसमें भाग दिया तो 2, फिर 0.95, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू चलेगा इसीलिए ये इस तरह से हो जाएगा, तो हमारा जो उत्तर ये जो है ये हमें क्या मिल गया, ये विचलन प्राप्त हो गया। ये वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ये चीज जो है गणित जो है आपको समझ में आ जाएगी। ये जो है ये आप लोगों के गृह कार्य है, ये आप लोगों को कॉपी में करना है। इसमें भी आपको माध्य द्वारा विचलन ज्ञात करना है और माध्य विचलन और माध्य के द्वारा भी इसमें विचलन और गुणांक दोनों ही ज्ञात करनी है।